हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे फाइबर ऑप्टिक केबल को स्प्लाइसिंग करने का तरीका। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये 5 मीटर है, ट्रांसपोर्ट चेक करने के लिए, लेदर लैड और पावर चेक करने के लिए। ये सब पता चल रहा कि अपना हमारी पैच को ठीक है, लेदर लैड पास हो गई। हाँ हाँ, ठीक है। ये एक ड्रेसिंग डब्बी है छोटी सी, जिसको इसके अंदर स्वाप करने के वो तार को इसके अंदर ड्रेस करना। ठीक, अंदर लगाएंगे केबल टाइप तार को ग्रिप करने के लिए। ऑप्टिकल फाइबर को कटर के साथ काट के फाइबर निकालना है। हमें 1.5 मीटर तक फाइबर निकालनी चाहिए। ठीक है, बार बार गर्मी की वजह से फाइबर पीछे बैग चले जाते हैं। सही, ये फाइबर निकालने के बाद ये जेल के साथ इसको साफ कर, टिश्यू के साथ। ठीक, इसके ऊपर जेल लगी होती है? हाँ जी, जेल लगी होती है ताकि फाइबर मतलब टूटे ना तार के। फिर इसको ऊपर हम ड्यूटो टेप लगा ड्यूटो टेप लगाने के बाद डब्बी के अंदर इसको टाई के साथ ग्रिप कर देंगे। ग्रिप और टाई में जो ये अंदर और बाहर दोनों तरफ डब्बी लगानी पड़ती है। बाहर और अंदर, बाहर वाली को हीटर के अंदर लगती है और ये अंदर आपके राउटर के अंदर। ठीक, फिर हम इसको आगे पैच बोर्ड लगाने के बाद इसके पावर चेक करेंगे, हमारी पावर कितनी है। मशीन के साथ जोड़ देना, ये स्लीव इसके अंदर डालेंगे ताकि हमारा जोर टूटे ना। फिर हम इसको स्ट्रिप करके, ये ऊपर इंसुलेशन है? हाँ जी, ये इंसुलेशन होती है, ये इसके अंदर फाइबर होता है। इसके अंदर क्या नहीं होती, ये पैकर होती है ये, और ये बिल्कुल नाजुक होती है। फिर हम इसको स्वैप के साथ साफ करेंगे ताकि इसके ऊपर डस्ट वगैरह और जो प्लास्टिक कवर होता है वो उतर जाए। फिर क्लीवर करेंगे, क्लीवर करने के बाद इसको मशीन के अंदर लेंगे ताकि ये पैसपोर्ट फाइबर के साथ जुड़ी है। ये हमारा फाइबर ऑप्टिकल फाइबर, इसको हम स्ट्रिप करेंगे। स्वैप के साथ साफ करने के बाद क्लीवर के साथ स्ट्रिप कर देंगे। मशीन में बड़े क्लीन करेंगे, इसको जोड़ लगाना मशीन में। इधर हमारी पावर आ रही है, माइनस 22 3। ये हमारा जोड़ ठीक नहीं लगा, तो कटिंग की वजह से मशीन में जोड़ नहीं लगा ठीक। तो भी हम दोबारा ये स्ट्रिप करेंगे, छिलने के बाद उसको मशीन करेंगे। अच्छा, कुछ मशीनों के ऊपर डिस्प्ले भी होता है एक? हाँ, ये डिस्प्ले इसके अंदर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ।
फिर मैंने इसको इसलिए अंदर रखा था ताकि हमारी स्क्रीन जो है ना वो महफूज रहे, ये हमारा डिस्प्ले है, ये हमारा जोड़ लग चुका है, ये हमारा जोड़ लग गया। अब इसको हम स्लीव के अंदर हीट कर देंगे ताकि हमारा ये हमारा फाइबर का पैच के साथ जोड़ लगे। ठीक, अब इसको हम स्लीव के अंदर हीट कर देंगे ताकि हमारा मजबूत हो जाए टूटे ना। इसके बाद ड्रेसिंग के लिए आपको दो टेप लेनी चाहिए, 3 अगर 3 पीस काटने के बाद इसको इसके अंदर ड्रेस कर लेना। अब इसका ठंडा करने के बाद इसको उसके अंदर टेस्ट कर लेंगे। ये फाइबर है इसके ऊपर टेस्ट कर देंगे ताकि हमारे फाइबर इसके अंदर सेफ रहे, टूटे। हमारी स्लीव इसके अंदर टेस्ट हो गया, इसके अंदर फाइबर टेस्ट करेंगे। ड्रेसिंग टेप लगा रहे ताकि हमारी पैच और इसके अंदर सेफ हो जाए। ये हमारा जोर मुकम्मल हो चुका है, अब इसके ऊपर ये बंद कर ये हमारा फाइबर का जोड़ लग गया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को पता क्या, मैंने पीछे म्यूजिक लगा के ना साथ वो लिख देना, मैंने 10 बजे तक लिखना ना निदान सोखा जाए। ये काटी है यहाँ से, तार काटूगी है ताजी ने पहला गुस्सा नहीं जाने कम से मारी मेरे छोटे मोटे होंगे इसको यहाँ पर पक्का करेंगे तार चाली चार मानी अल्लाह रुकना अब इसको स्टिपर से छीलेंगे स्टिपर से साफ करेंगे करीबन नहीं पहले 10 बजे आपने साफ करिएगा और करीबन लगा दिया चैनल है भाई। अच्छा
कवर छाछ रहा जब तक रहा। अब ये देख आते हैं उसके बाद जैसे मिलेंगे भाई साहब जी। मैंने सुना सीनियर काफी महंगी है। नहीं महंगी 7-8 लाख रुपए वाली है, 2.5 लाख की। ये कहना की वो दूसरी कौन थी? लेकिन फिर भी 2.5 लाख क्या थोड़ा नहीं था? 2.5 लाख कैसे ले लेके फिर तेरे यहाँ कितने शायद बच्चे 2.5 लाख डाल रहे हैं। थोड़ी सी 10 हज़ार की लगाई थी। ठीक है धीरे धीरे ये हो गया बस पूरा कार्ड। अभी हम कागज़ पर ड्रेसिंग करेंगे। हाँ मतलब सुपर ऑफ नाइट कैसे हाँ जी काम से कार मारती हूँ बार बार ये जो भी और ये पैथ और जो भी सामान ये अगर अगर आप 20 मीटर के सामने ये अगर एक दफा नोट किया था मतलब बता दिया था उसके चार्ज होते हैं ये 800 रुपए की खाली है। ये बोल है ये सही और जोड़ने लगाने का 500 हां वो तो चार्ज 4 मीटर देखो 4 मीटर के लोग बनवा दे आओ वीडियो खाना भी है अपने ना काले वाला वो दे रही थोड़ी वो 4 मीटर है आओ ये दर्शन करें चल अमन पड़ा अब इसको कैच कोड को राउटर में लगा रहे हैं। ये फोन की लाइट ब्लिंक कर रही है फोन का नाम बस ये जी पॉन वाला है टेक्नोलॉजी का राउटर है। इसको हम पीछे ऑफिस से हम अपने ऑफिस से कॉन्फ़िगर करवाएंगे ताकि हमारा नेट चल सके। जी गाइस राउटर के अंदर पैच कोड को कनेक्ट कर दिया, राउटर को कॉन्फ़िगर भी कर दिया गया है। अब हम इंटरनेट को टेस्ट कर लेते हैं कि इसकी स्पीड क्या है। वैसे ये 4 MB के कनेक्शन मैंने लगवाया और अब हम देखते हैं कि हमारे पास इंटरनेट की स्पीड क्या आ रही है। इसके लिए हम लोग स्पीड टेस्ट वाली एप्लीकेशन जो है उसको यूज़ करेंगे। इंटरनेट को मैंने कनेक्ट कर लिया, ये मैं आपको यहाँ से चेक करवा देता हूँ। ये AK नेट के नाम से है, ये कनेक्टेड है और स्पीड टेस्ट करते हैं। चार MB इंटरनेट का कनेक्शन है जो मैंने लिया है और आपके सामने है स्पीड के ये 6 MB तक जा रहा है। इससे पहले भी मैंने एक टेस्ट करके इसको चेक किया था, ये 8 MB तक और 9 MB तक भी स्पीड इसकी जा रही थी। अपलोडिंग स्पीड भी आप देख सकते हैं कि 8 MB/s है। अगर हम किसी और इंटरनेट से इसको कंपैरिजन करें तो अक्सर होता ही है कि डाउनलोड स्पीड ज़्यादा होती है और अपलोडिंग स्पीड आपकी काफ़ी कम होती है। यानी अगर 8 MB/s आपकी स्पीड डाउनलोडिंग आ रही हो तो आपकी अपलोडिंग स्पीड तकरीबन 3 MB या 4 MB आ रही होती है। लेकिन इसमें ये चीज़ बड़ी अच्छी है कि आप दोनों में देख सकते हैं कि इसकी डाउनलोड और अपलोडिंग स्पीड दोनों तकरीबन बराबर है। और ये इसी वजह से है क्योंकि ये केबल जो है ये फाइबर ऑप्टिक केबल है, इसमें लॉसेज नहीं है, इसमें कोई कॉपर की तार नहीं है, इसमें कोई हीट की वजह से कोई इसको मसला नहीं है, इसको कोई इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता कि जिसमें कहीं लॉसेज हो सकें। इस लिहाज से फाइबर ऑप्टिक केबल और इस पर चलने वाला इंटरनेट एक रिलायबल ऑप्शन है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद वीडियोस के लिए आप इसके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं आपको मिलती रहें। इंशाल्लाह नई वीडियोस में आपके साथ दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।